गुड मॉर्निंग गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। मैं हो रही हूँ रेडी बिकॉज आई माइट, अभी तो कंफर्म भी नहीं है, बट देन एक बार मैं ऑफिस पहुँच गई तो फिर मैं मेकअप वेकअप वहाँ पे कर नहीं पाऊंगी, तो आई थॉट बस थोड़ा सा डार्क सर्कल्स वगैरह कवर करके चली जाती हूँ बिकॉज वी माइट शूट। आई थॉट के व्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं, बातें कर लेते हैं थोड़ी सी और साथ साथ मेकअप हो जाएगा हल्का सा, बस ये ऐसे थोड़े डार्क सर्कल्स वगैरह ही कवर करने हैं, ज़्यादा कुछ नहीं। और बताओ व्हाट्स बीन हैपनिंग। हम मैं रेगुलर वीडियोस डाल रही हूँ, आई एम सो हैप्पी। और जब से मैंने डालना शुरू किया ना, मुझे ऐसे लग रहा है कि जैसे कुछ लाइफ नॉर्मल हो गई है मेरी। मतलब 5-6 साल से यू नो मैं वीडियोज बनाती आ रही थी, आदत सी हो गई थी उस रूटीन की। एंड बीच में जब आभारी जो मेरा ब्रांड है वो मैंने लॉन्च किया, लॉन्च भी क्या किया, मतलब जब मैंने स्टार्ट किया तो एक जर्नी रही है मेरी, लाइक यू नो एग्जीबिशंस लगाने पहले और फिर वेबसाइट पे काम करना, बहुत सारी चीज़ें थी जो मैं सिंगल हैंडेडली ऑपरेट कर रही थी, तो उस वजह से वीडियोस वगैरह नहीं आती थी, तो बहुत बिजी थी। तो उस टाइम पे जब मैं यूट्यूब नहीं कर रही थी ना, तो ऐसा नहीं लगता था कि मुझे कि मैं बहुत मिस कर रही हूँ यूट्यूब को। मे बी इसलिए भी नहीं लगता था क्योंकि आई वॉज बिजी विथ समथिंग एल्स, ऐसा नहीं था कि मैं फ्री थी, तो आई वॉज बिजी विद आभारी एंड एवरीथिंग। सो अब जब मैं वापस अपने रूटीन पे आई हूँ और अब करना शुरू हो गई हूँ वापस से वही चीज़ें, सारा कुछ वैसा ही रूटीन हो गया काफ़ी हद तक, वही शूटिंग एडिटिंग बाहर जाना घूमना और कमू और मेरी वो बैंटर और वो सारी चीज़ें वो करते हुए अब ऐसा लग रहा है कि यार मैं एक्चुअली मिस कर रही थी यूट्यूब को। सिर्फ फील इसलिए नहीं किया क्योंकि ऑब्वियसली आई वॉज बिजी विद 100 अदर थिंग्स विद आभारी, यू नो बिकॉज ऑफ आभारी, सो इसलिए। बट एनी वे नाउ आई एम बैक टू माई रूटीन, अब अच्छा लगता है मुझे वही यू नो मेकअप कपड़े घूमना और ये सब, और वो सब कुछ डॉक्यूमेंट करना। कर तो हम सब कुछ पहले भी रहे थे, बीच में भी कर ही रहे थे, जाते थे ये सब कुछ, बट व्लॉग नहीं करते थे तो वो एक चीज़ मिसिंग थी। एनी वे सो नाउ आई एम बैक टू माई रूटीन। अभी वो बाय द वे मेरे को दिल्ली जाना था, हमारा पूरा प्लान बन गया था मेरा और वृति का, मतलब आई वॉज एक्चुअली गोइंग टू दिल्ली फॉर सम वर्क फॉर आभारी, आई हैड टू मीट कपल ऑफ मैन्युफैक्चरर्स फ्रॉम दिल्ली, तो कुछ और नॉट फॉर साड़ीज, कुछ और चीज़ों के लिए। ऑब्वियसली विल बी लॉन्चिंग मेनी मोर थिंग्स, इट इज़ नॉट जस्ट अ साड़ीज ब्रांड, तो उसके लिए मुझे भाग दौड़ रहती है। तो एनी वे दिल्ली उसके लिए मुझे जाना था, एंड देन बीच में प्लान ये भी बन गया था कि प्लान क्या बन गया था, मतलब दिमाग में आया था कि अगर मैं दिल्ली जाऊंगी तो मैं चंडीगढ़ भी चली जाऊंगी, एंड आई विल गो एंड मीट पारुल ऑल्सो, बिकॉज पारुल ऑल्सो वॉज लाइक कि तू आ जा, और वहाँ पे ठंड पड़ रही है, तो आई थॉट कि एक्सपीरियंस कर लूँगी वापस से इस बार एकदम कड़ाके वाली ठंड। पिछले साल आप लोगों को याद होगा फरवरी में पंजाब गई थी और मैं समराला गई थी, इफ यू गाइस रिमेंबर, टैटू भी करवाया था, वो पूरी भरी सर्दियों में गई थी, तो बड़ा मज़ा आया था। तो सारा कुछ करना था बट वो अल्टीमेटली रियलाइज़ किया कि नहीं हो सकता, बिकॉज जिन डेट्स पे मैं जा पा रही थी उन डेट्स पे मुझे पीरियड्स आने के चांसेस हैं, उस वजह से मुझे कैंसिल करना पड़ा दिल्ली। बट अदरवाइज वृति और मैं मतलब 2-2 घंटे लगे हुए थे फोन पे, क्या पहनेंगे, कहाँ पार्टी करने जाएंगे, बड़े एक्साइटेड थे। और मैंने ऑब्वियसली सोचा था आप लोगों को बाद में बताऊंगी जब एकदम प्रॉपर प्लान बन जाएगा, एंड ऑब्वियसली मैं ब्लॉग भी करूंगी। और साथ साथ बहुत सारी चीजें हैं जो पाइपलाइन में हैं जो हमें करनी है आभारी से रिलेटेड स्पेशली, एंड आई एम सो एक्साइटेड। बेसिकली हमारी कुछ 3 चीज़ें हैं जो पाइपलाइन में है, 3 लॉन्चेस, एंड दे आर नॉट साड़ीज। आई स्टार्टेड विद साड़ीज बट धीरे धीरे हमें ऑब्वियसली आभारी पे बहुत सारी चीजें लेके आनी है, सो उन पे काम चल रहा है। काफी अड़चने आ रही हैं बाय द वे, किसी चीज का डिलीवरी लेट हो रहा है, कुछ हो रहा है, फलाना ढमका, 100 चीजें हो रही है। ठीक है, कर लेंगे होपफुली फेब्रवरी में एक हमारा फर्स्ट, मतलब साड़ी के बाद जो नेक्स्ट हमारा लॉन्च है वो मोस्ट प्रोबेबली फेब्रवरी में हो जाएगा। यू विल गेट टू सी अ न्यू प्रोडक्ट ऑन आभारी, एंड इट्स नॉट क्लोदिंग, सो आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट दैट। गेस करो अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोगों को पता है कि क्या लॉन्च होने वाला हो सकता है, सो लेट मी नो इन द कॉमेंट्स, बट इट्स नॉट क्लोथ्स, ओके, इट्स समथिंग एल्स। पहले यू नो आभारी को लेके जब शुरू नहीं हुआ था आभारी, तो बहुत सारी ऐसी सोचें आती थी, बहुत सारे ऐसे थॉट्स आते थे कि यू नो सारी चीज, मतलब बहुत सारी चीज़ें मुझे इकट्ठी लॉन्च कर देनी चाहिए, क्या ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, बट यू नो आई हैव ऑलवेज बिन दैट पर्सन जिसने यू नो साथ में ग्रो किया है आप लोगों के। लाइक मैंने जब यूट्यूब भी शुरू किया था तो मैंने ऐसे शुरू नहीं किया था कि भाई somebody has arrived and सारे के सारे gadgets हैं मेरे पास, सारा कुछ है मेरे पास, I know the settings, I know my camera, I know the lighting setup। स्टार्टिंग में क्या किया था, मतलब फ़ोन से शुरू करके फिर धीरे धीरे एक ring light ऐड करी थी, कैमरा ऐड हुआ था, तो मुझे ना
वो एक प्रोसेस जो है वो मुझे बड़ा अच्छा लगता है. तो जैसे मैंने यूट्यूब के साथ किया ना, मैं आभारी को भी उसी तरीके से देखती हूँ कि मतलब मैं धीरे धीरे लॉन्च करूँ, धीरे धीरे हर चीज़ हम ऐड करें आभारी में, एंड साथ में ये जर्नी रहेगी तो आप लोग भी इंजॉय कर पाओगे कि आभारी कैसे, यू नो, जैसे आप लोग अभी कॉमेंट्स में कितनी बार लिखते हो ना, बहुत लोग लिखते हैं कि वी रिमेंबर आपने जब यूट्यूब शुरू किया था, आपके पास ये भी नहीं था, फिर आपने ये किया था, फिर ये हुआ था. सो आई वॉन्ट दैट फॉर आभारी एज वेल. भले आप कुछ खरीदो या नहीं खरीदो, बट देन अगर मैं इस जर्नी में हूँ और आप लोगों के साथ ही हूँ, तो फिर वाई नॉट यू ऑल्सो इन्जॉय द जर्नी. एंड मुझे पसंद है ऐसी चीज़ें, और मुझे क्या होता है ना, मुझे डेस्टिनेशन से ज़्यादा जर्नी पसंद आती है. उसका कारण ये भी है क्योंकि मेरी लाइफ ही हमेशा ऐसी रही है जहाँ पे यू नो, मैंने हर चीज़ स्क्रैच से शुरू की है. लाइक बिकॉज ऑब्वियसली पापा नहीं थे, तो बचपन से ही वो एक कंडीशनिंग ही ऐसी है कि हर चीज़ खुद से करनी है. मैंने हमेशा चीज़ों को इसी तरीके से ग्रेजुअली यू नो बिल्ड किया है, हर एक चीज़ को, चाहे वो मेरा करियर हो, चाहे वो पर्सनल लाइफ में कभी कुछ हो, आई एम दैट पर्सन. एंड ऑब्वियसली ऐसा भी नहीं है कि मतलब बहुत सारी इन्वेस्टमेंट करके मैं आ सकती हूँ, यू नो, एक बड़ा सा ब्रांड खोल दिया उस पर, इतना है नहीं और इतनी नॉलेज भी नहीं है ऑनेस्टली. तो मैं धीरे धीरे लर्न कर रही हूँ, धीरे धीरे ग्रो कर रही हूँ, इम्प्रूव कर रही हूँ अपने आप को, और ऐसे ही मैं रखना चाहती हूँ इस चीज़ को जब तक हमारा ब्रांड अभी एक बहुत ही छोटा सा ब्रांड है. हाँ, कुछ सालों बाद मुझे पता नहीं स्टोरी क्या होगी क्या नहीं होगी, बट अभी तो हम इसको साथ साथ बिल्ड करेंगे. सो अगले 3-4 महीनों के अंदर ही आप कुछ 3 चीज़ें लॉन्च होती हुई देखोगे. सो येस, आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दैट. बस मैं इतना ही मेकअप करने वाली हूँ. मस्कारा भी तो लगाना पड़ेगा यार. बाल धोए थे आज तो थोड़े से अभी गीले हैं, तो धीरे धीरे सूख जाएंगे. अब मैं थोड़ा सा यहाँ से पैकअप करती हूँ, और मुझे लंच भी करना है. लंच टाइम हो गया है, 2:10 हो गए हैं. 1 सेकेंड. वो स्टैम्प चाहिए था ना छोटा. हाँ. तो 4 × 1.5 ये होगा. पहले क्या मेजरमेंट था हमारे पहली स्टैम्प का? 6 × 3 था. 6 × 3, और अभी 4 × 1.5. वो कह रहे हैं कि अगर 3 × 1 किया तो फिर वो 3 लाइन में आएंगे. नहीं, फिर वो 4 वाला ठीक है. फिर ऐसे ही हमारे छोटे छोटे काम जो है चलते रहते हैं. अभी हमारी जो आभारी की स्टैम्प है, आप लोगों को याद होगा, जो डब्बे पे लगती है, हमारे बाहर वाले, बाहर का जो मेन पैकेज होता है उसके ऊपर लगती है. अब क्योंकि हमारा और कुछ प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है और उसके डब्बे छोटे हैं, और उसके लिए हमें अलग स्टैम्प चाहिए होगी. तो यू नो, ऐसी छोटी छोटी चीज़ें जो है वो होती रहती हैं. एंड अब मैं पैकअप करती हूँ यहाँ से थोड़ा ये सामान वामान, उसके बाद लंच करती हूँ. लंच करके फिर हम लोग निकलेंगे ऑफिस के लिए. ये रहा मेरा लंच. लंच में है दलिया. लाइट ही खाना चाह रही थी मैं, थोड़ा हेल्दी खाना चाह रही थी. सो वी गॉट दलिया, जिसमें खूब सारी ऐसे वेजिटेबल्स वगैरह डली हुई हैं. मैं पहुँच गई हूँ अपने ऑफिस में. दिस इज़ माई केबिन. अभी इस पर हम लोग थोड़ा काम करना शुरू करेंगे. अभी के लिए इट्स वेरी प्लेनिश. ये देखो, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, खाली है सारा कुछ. इस तरीके का दिखता है कुछ, बाद में आराम से दिखाऊंगी. बट इस पर अब हम लोग करना शुरू करेंगे काम. लाइक थोड़ा बहुत इसको हम मेकओवर देंगे, फिर आपको दिखाएंगे. बिकॉज ऑनेस्टली अब मेरी एडिटिंग वगैरह हो जाती है ना साथ में, तो मेरे को एक डेजिग्नेटेड प्लेस तो चाहिए ही था, राइट, बैठने के लिए ऑफिस में. सो दैट आभारी की टीम डिस्टर्ब ना हो अगर मैं एडिटिंग कर रही हूँ तो, और अगर वो कुछ और कर रहे हैं. सो वो तो चाहिए था. तो फिर पहले सोचा था नॉर्मली रखूँगी, बट फिर अब बैठती हूँ यहाँ पर तो थोड़ा सूना सूना सा लगता है. फिर ऐसे लगता है कि चलो थोड़ा सा मेकओवर कर लो. तो वो करेंगे धीरे धीरे, सामान वामान लाएंगे, आप लोगों को साथ ही रखूँगी जो जो भी चेंजेस करेंगे हम. बट अभी के लिए ऑनेस्टली ये प्लांट भी मैंने अभी डाला है, बिकॉज जब मैं यहाँ पे व्लॉग करने के लिए बैठी ना यहाँ पे, और ऐसा लगा कि शुरू करती हूँ, तो वॉल बहुत ही प्लेन लग रही थी. सो अभी हम लोग प्लांट लेके आए हैं और यहाँ पे ये वाला रखा है, सो दैट थोड़ा कुछ एलिमेंट आप लोगों को दिखे. तो एनीवे, ठीक है, तो अभी मैं थोड़ा काम वाम शुरू करती हूँ, फिर आप लोगों को साथ साथ बताती रहूँगी क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा. Right now, it's just you and me, boy. 이대로 멈췄으면 좋겠어, 둘이. Don't take your eyes off me, baby. You're the one that I need. 솔직히 말해볼게. 너만을 기다려봤다고. 잘 봐주세요. मेरे आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे. मिस्टर बाबा, हाय मिस्टर, से हेलो टू एवरीवन. से हेलो टू एवरीवन. हाय एवरीवन, वुड यू लाइक टू से हाय टू. हाय टू. हाय टू. ना इतना सुस्त है ये, इतना सुस्त है, इतना सुस्त रहता है ये. शेक हैंड कर दो.
गुड गर्ल मिष्टा, मिष्टू रोल ओवर, रोल ओवर, मिष्टू रोल ओवर, रोल ओवर, रोल ओवर, रोल ओवर, गुड गर्ल मिष्टा, आई मेरा बच्चा, कर दिया रोल ओवर। अब मेरे को थोड़े बहुत बच्चों के काम निपटाने हैं, उनको खाना वाना देना है, और मैंने सुबह से ना आज ईमेल्स चेक नहीं करी है, तो मुझे ईमेल्स वगैरह चेक करनी है, वो सब करके मेकअप रिमूव करके अब मैं आपको कल मिलती हूँ, कल इस व्लॉग को कंटिन्यू करती हूँ, बिकॉज आई एम श्योर ये बहुत छोटा सा व्लॉग बनेगा अदरवाइज, तो कल भी मैं आप लोगों को अपने साथ रखूँगी। हेलो हेलो, मीट मीट माई फ्रेंड चुंडू, जिसका नाम मैंने रखा हुआ है चुंडू, इसका नाम है नेहा चुंडावत। हाँ नाम चुंडू रख दिया। हाँ तुझे किसी और ने बुलाया आज तक चुंडू? हाँ, अच्छा लोग चुंडी और चुंडू बोलते हैं। सुन, जब कोई ऐसा सवाल करता है ना, तुझे आज तक किसी और ने इस नाम से बुलाया, तो हमेशा बोलते हैं नहीं बहन, तू ही है जो बुलाती है, ये होता है सही आंसर, ये झूठ होता है। तो बोलना चाहिए कभी कभी सामने वाले का दिल रखने के लिए। नहीं ऐसे झूठ नहीं बोलते जो। तो बोलती है अपने ब्लॉग में, मुझसे क्या झूठ बुलवा रही है। हाउ स्वीट, हाउ स्वीट। देखियो देखियो। गुड मॉर्निंग गाइस, दिस इज द नेक्स्ट डे, आई एम क्विकली रनिंग टू द ऑफिस फॉर अ मीटिंग, उसके बाद मेरे को घर भी आना है वापस, क्योंकि बहुत सारे काम हैं यहाँ पे, आज मुझे बहुत सारी चीज़ें अरेंज करनी है जो आज के लिए मैंने रखी हुई थी कि आज मैं ये काम निपटाऊंगी, तो वो करेंगे। सो मैं मीटिंग निपटाती हूँ, ब्रेकफास्ट वहीं पे करती हूँ, वापस आती हूँ घर और फिर आप लोगों को मिलती हूँ। ओके गाइज, मीटिंग डन, अब मैं जा रही हूँ घर, मेरे घर के मुझे जो काम है मैं वो सुलटाऊंगी। ओके, मैं घर पहुंच गई हूँ, अब हमें सबसे पहला काम जो आज के लिए सोचा हुआ था वो था मुझे अपनी क्रॉकरी यूनिट सेट करनी है, बहुत दिनों से ये काम लटका हुआ है। होता है ना कई बार आप निकालते रहते हो क्रॉकरी, फिर साफ करके वहाँ डालते रहते हो, बट यू डोंट पुट इट टू द एग्जैक्ट राइट प्लेस, तो वो थोड़ी सी सेटिंग करनी थी। दिस इज आवर क्रॉकरी यूनिट, आई लव इट। जहाँ से हमने ये ली है मैं उनका टैग कर दूंगी, पुणे बेस्ड है, सिमनानी इंटीरियर्स करके उनका है। दिस इज अ ब्यूटिफुल लुक एट दिस, ये ऐसे खुलती है, ये देखो तो अंदर से ना, ये देखो देयर इज नो अरेंजमेंट, है ना, कोई भी कप कहीं पे भी पड़ा है। सेम विद दिस, ये थोड़ा सा फिर भी बेटर है क्योंकि यहाँ से सामान कम निकलता है, यहाँ पे थोड़ा डिनर सेट वगैरह जैसी चीजें पड़ी हैं इसलिए। सो इसको आज हमें थोड़ा सा सेट करना है, लेट्स डू दैट। फिनिश हो गया, नाउ इट्स टाइम टू ओपन दिस। आई हैव एब्सोल्युटली नो क्लू इसमें क्या आया है, नाम तो मेरा ही लिखा है, कम्मू का तो नहीं है, बट आई हैव नो आइडिया इसमें क्या है। इट्स अ वेरी बिग पैकेज, लेट्स ओपन दिस। ओह यस, पिलोज हैं, यस यस, नाउ आई नो। सो नाउ दीज आर द टू सूटकेसेस जिनके अंदर कपड़े भरे हुए हैं लिटरली, सो आई हैव टू फिगर आउट के कौन से कपड़े मुझे रखने हैं, कौन से कपड़े आई कैन गिव टू रीना, कौन से कपड़े आई कैन गिव लाइक फॉर डोनेशन। बड़ी ही शातिरता के साथ अपनी जगह बनाते हुए कपड़ों पे। एटम कहाँ बैठे हैं, इधर आ। ये तो इसने मुड़ के देख भी लिया, नहीं तो ये मुड़ के देखता भी नहीं है मेरी आवाज पे, इग्नोर मारता है गंदे वाला मुझे। एटम इधर आ, आए आए मेरा हैंडसम लड़का, आई छी आई छी, क्या हो रहा है तू ये घर में। जल कुकड़ी, जल कुकड़ी, हाय जल कुकड़ी। मिष्टू ये शुरू, नो
मिष्टी मिष्टा वो देख ले इसकी चल रही है मिष्टी ये क्या किया है बेडरूम का व्हाट इज दिस बिहेवियर देख रही है बेडशीट देख रही है मिष्टी करो जो करना करो बेबी मासी है करो मासी है मासी आके फिर चादर बिछा जाए जरा आइयो आ जाएगी मासी आ रही है मासी चादर बिछा देगी मिष्टू मिष्टू वृति मासी आ रही है मिष्टू वृति मासी बात कर रही है तेरे से जो ऐसे कोको वाली वीडियो में किया ना ऐसे ऐसे आज ये वापस प्रूव कर रही है मां मारती है मुझे बातें कर रही है तो उसे शिकायतें लगा रही है मिस्टर मिस्टर अच्छा नहीं बुला रही नहीं बुला रही नहीं बुला रही नहीं बुला रही नहीं बुला चल व्लॉग को बाय बोल दे पहले मुझे चाहिए फिर अपन कंटिन्यू करते हैं बाय ओके गाइस कपड़ों का ऑनेस्टली सारा काम नहीं हुआ कपड़ों का ना पता है काम बहुत ऐसे मुझे त्रास सी देता है मुझको बिल्कुल पसंद नहीं है कपड़े सॉर्ट आउट करने आज की डेट में सो मैंने क्या किया कि मैंने सबसे पहले रीना वाला काम निपटा दिया यानी कि जो दो सूटकेसेस थे उसमें से जो कपड़े मैं रीना को देने थे जो उसको पसंद थे मैंने पहले वो वाला काम कर दिया और अभी दो सूटकेस से हमारा वन सूटकेस हो गया है सो अब वो एक सूटकेस किसी दिन मैं आराम से जब मेरा दोबारा से मन बैठेगा तब मैं बैठूंगी और फिर मैं फिगर आउट करूंगी कि मुझे अब अपने लिए इसमें से कौन सा रखना है और किसी और को कौन सा देना है सो वो करेंगे अब हम नेक्स्ट कर लेते हैं थोड़े पैकेजेस वगैरह आ रखे हैं ये सब ये खोल लेते हैं क्योंकि हमने अभी वो पिलोज भी खोले हैं तो मुझे लगा कि ये वाले पैकेजेस भी खोल ही लेते हैं साथ में नहीं तो फिर पड़े रह जाएंगे सो पहला पैकेज इज दिस इसमें क्या है ओके सो दिस इज़ अ ब्रांड ऑनेस्टली दैट आई रियली रियली लव इनके बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जब आप मेरी फेवरेट्स की वीडियो देखोगे ना इस ब्रांड से बहुत सारी चीज़ें मुझे पसंद है एंड यू विल गेट टू नो सून मैं इनके क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं जो बहुत पसंद करती हूँ एंड नाउ आई थिंक देव सेंट मी सम ऑफ देयर न्यू प्रोडक्ट्स मे बी इनका एक और डब्बा है मेरे पास सोप स्क्वायर का सो विल ओपन बोथ ऑफ देम टुडे एंड सी के उसमें क्या है सो फर्स्ट डब्बा लुक्स लाइक दिस ये है और इसमें है काफ़ी सारी चीज़ें हैं नाउ देव सेंट मी अनदर डब्बा जिसपे लिखा है निर्वाणा बाय सोप स्क्वायर सो आई डोंट नो इन्होंने एक अपना अलग कुछ चालू किया है सेगमेंट चालू किया है या ब्रांड चालू किया है निर्वाणा नाम का बट दिस इज़ व्हाट देव सेंट मी ये सब चीज़ें खुली हुई हैं तो मैं आपको भी दिखा देती हूँ वन इज़ द ब्राइटनिंग क्रीम बॉडी बटर मॉइस्चराइजर कंडीशनर बार सो ये कुछ चीज़ें हैं उसके बाद वी हैव गॉट दिस डब्बा जो है स्टेज करके ब्रांड है इनके लिए मैंने एक शॉर्ट्स करी थी सो दे सेंट मी सम मोर मेकअप विच हैज सम मोर लिपस्टिक्स मस्कारा काजल आई लाइनर एंड अ वेरी क्यूट छोटी ऐसे जैसे मार्स वगैरह की आती है ना आई शेडो पैलेट सो दिस इज द नेक्स्ट डब्बा उसके बाद वी हैव गॉट अ वेरी वेरी क्यूट पैकेज जो है फ्रॉम कंट्री बीन ये कॉफी का ब्रांड है वहां से आया है दिस इज द डब्बा प्रिटी प्रिटी बॉक्स और उसके अंदर है हमारे पास कॉफी एंड अ मग सो आई हैव ऑनेस्टली नेवर ट्राइड कंट्री बीन का कॉफी बट आई वुड लव टू बिकॉज अभी हम लोग डेविड ऑफ पीते हैं और हमें डेविड ऑफ की आदत है और हम कोई और कॉफी ट्राई ही नहीं करते हैं बट आई वुड लव टू गिव दिस अ ट्राई ईदर दैट और मे बी किसी फ्रेंड को दे दूंगी जैसे किसी का बर्थडे आ रहा है कुछ आ रहा है ना तो मैं इन चीज़ों को देना ज़्यादा पसंद करती हूँ एक तो अच्छे से यूज हो जाती हैं पड़ी पड़ी वेस्ट नहीं होती हैं और सामने वाले को भी मुझे लगता है ज़्यादा अच्छा लगता है रादर देन गिविंग देम जस्ट वन गिफ्ट लाइक आई मेक अ क्यूरेट अ बॉक्स फॉर देम हैविंग लाइक 20 थिंग्स सो दैट्स ऑब्वियसली बेटर फॉर मी ऑल्सो एंड फॉर देम ऑल्सो सो दैट्स वाई देन द नेक्स्ट पैकेज इज फ्रॉम डॉट इन की उनका आया है सनस्क्रीन उसके बाद व्हाट हैव वी गॉट बस कूल सो ये कुछ चार पांच पैकेजेस थे जो खुलने थे अब ना मैं साथ के साथ व्लॉगिंग में ना ये सब करती रहा करूंगी लाइक आई वोंट वेट कि जब 10 डब्बे हो जाएंगे तब मैं एक वीडियो बनाऊंगी और कई बार होता है कि वो बनती नहीं है फिर उसके बाद पड़ी रह जाती है वो वीडियो तो इसलिए मैं कोशिश किया करूंगी कि जैसे जैसे आया करेगा उस जिस दिन व्लॉग चल रहा होगा आपको साथ के साथ दिखा दिया करूंगी ठीक है तो या अभी लेट मी जस्ट
ये सब मैं सामान संभाल लेती हूँ, आपको मिलती हूँ। सो आज के लिए मैंने जो जो काम लिखे थे उसमें से मोस्टली मैंने सारे किए हैं, 70% काम किया है मैंने। अभी मेरा एक और काम रह गया, वो बहुत लंबा काम है बट वो हम बाद में करेंगे बिकॉज अभी आभारी की टीम घर पे आ रही है, बिकॉज हमारा नेक्स्ट जो लॉन्च है उससे रिलेटेड शूट मेरे घर पे होना है, वो ऑफिस में नहीं हो सकता। तो उसके लिए हम लोगों ने सामान वामान इकट्ठा करना शुरू कर दिया है, जो प्रॉप्स हमें चाहिए होंगे, जो जो चीज़ें चाहिए होंगी। तो देवर एक्चुअली डूइंग दैट ओनली सिंस मॉर्निंग। तो अभी उन लोगों ने थोड़ा जो भी सामान इकट्ठा कर लिया है, आई वॉन्टेड देम टू पुट डायरेक्टली हियर इन माई हाउस ओनली, क्योंकि पहले वो लोग ऑफिस में जाके रखेंगे फिर वो लोग यहाँ लेके आएंगे। तो आई टोल्ड देम कि डायरेक्टली यहीं आके सामान मेरे घर पे रख दो। सो नाउ दे आर कमिंग, सो आई विल अटेंड देम। आभारी टीम इज हियर एंड रोशनी गॉट मी दिस ब्यूटिफुल फ्लावर। सो ये सब सामान है जो मैं बोल रही थी आप लोगों को कि हम इकट्ठा कर रहे हैं फॉर द नेक्स्ट शूट। तो ये सब ये लोग लेके आ गए हैं, अभी और भी सामान आएगा। शूट की तैयारियाँ, सूखे हुए पौधे भी निकाले जा रहे हैं, इनके पास कुछ तो आइडिया है, मुझे तो कोई आइडिया नहीं है कि ये क्या कर रहे हैं, बट ठीक है, दे वॉन्टेड ड्राई स्टेम्स। सो ये हम लोगों ने सामान इकट्ठा कर लिया है, ये शूट में यूज़ होगा, टेबल वगैरह, काफ़ी चीज़ें कनिका के घर से आई हैं, मतलब मोस्टली हमने सामान खरीदा नहीं है, हमने इधर उधर से ऑफिस में से या मेरे घर से या कनिका के घर से, क्योंकि कनिका सेम बिल्डिंग में रहती है तो इसलिए सब इकट्ठा कर लिया है। मिष्टू देख लो कैसे सोती है, और ये ना अपना वो ब्लैंकेट अपने आप सेट कर लेती है, लाइक अपने आप खोल लेती है, सेटिंग कर लेती है और उसके अंदर घुस जाती है। दिस इज़ हाउ शी लाइक्स टू स्लीप, मतलब लिटरली आपको दिखा सकती हूँ, अगर इस वक्त पे मैंने इसे छोड़ा तो ये गुर्राएगी मुझे। उज्जा सुबह हो गए मिष्टा, ओ बल्ले सुनाई दिया। अच्छा मुझे भी छेड़ना ज़रूरी है। एनीवे आभारी की टीम चली गई है। अब द लास्ट वर्क दैट आई वांटेड टू डू फॉर टुडे वाज टू सॉर्ट आउट, मेरे पास दो ट्रॉलीज हैं जिसमें मैं जो भी चीज़ें मेरे पास पीआर में आती हैं या मैं खरीदती हूँ वो मैं एक जगह पे स्टोर करती रहती हूँ। सो आज मैं ये सोच रही थी कि आज वो वाला दिन होना चाहिए जहाँ पे यू नो आई सॉर्ट आउट एवरीथिंग, और जो जो सामान मैं जिस जिस फ्रेंड को भेज सकती हूँ या मुझे भेजना है कहीं, किसी को लिपस्टिक्स भेजने का मन है या किसी को कुछ भी, तो वो मैंने सोचा था आज मैं अलग करूँगी। सो अभी मैं डबल माइंडेड हूँ कि मतलब करूँ या नहीं करूँ, क्योंकि एक बार काम अगर मैंने ये छेड़ लिया तो मुझे घंटा दो घंटा तो लग जाएंगे। सो आई एम स्टिल नॉट श्योर, बट आई जस्ट वांट टू पुश माय सेल्फ टू फिनिश दिस टुडे, बिकॉज कल से फिर कुछ और काम चालू होना है, और अगर अब नहीं किया ना तो वो फिर रहते रहते रह जाएगा। कमो इज़ ऑल्सो कमिंग बैक फॉर द वीकेंड, फिर मैं उसमें बिजी हो जाऊंगी, फिर हमने बाहर जाने के प्लान है, हमारे वहाँ जाएंगे एंड देन फिर मैं व्लॉग करूंगी, फिर आके मैं एडिट चालू कर दूंगी, और फिर उसके बाद हमारी आभारी के लिए एक सेल चालू हो रही है, रिपब्लिक डे के लिए हम लोगों ने एक सेल लगानी है, तो उसके लिए पीछे बैकएंड के काम होते हैं, वेबसाइट के काम होते हैं, वो सब करना, क्रिएटिव्स बनना जो इंस्टाग्राम पे पोस्ट होते हैं, एंड ऑब्वियसली आई हैव टू बी लाइक एक्टिवली इन्वॉल्व इन एवरीथिंग, सो आई विल गेट बिजी विद दैट ऑल्सो। सो आई एम थिंकिंग कि मैं अपने आप को पुश कर लेती हूँ और कर ही लेती हूँ। सो लेट्स डू इट। सो दीज आर द ट्रॉलीज, वन ट्रॉली इज दिस, सेकेंड ट्रॉली इज दिस, लेके चलती हूँ इनको बाहर और फिर शुरू करती हूँ। ओके, तो इनमें सबसे पहले मैं सोच रही हूँ कि मैं वो प्रोडक्ट्स अलग कर लूँ जो मुझे चाहिए, लाइक जो मैं यूज़ करती हूँ या मैं करना चाहती हूँ, एक ट्रॉली उसकी बना लेती हूँ, और उसके बाद में फिर मैं गिफ्ट्स मतलब जो बचेंगे वो फिर मैं गिफ्ट्स दूंगी। तो ये हो सकता है कि आज मैं अपने वाले प्रोडक्ट्स निकाल लूँ, अगर मैं थक गई तो मैं काम वहीं पे छोड़ दूँ, जैसे मैंने कपड़ों का किया ना आज, मैंने रीना के कपड़े निकाल दिए, तो ये हो सकता है। शुरू करते हैं, देखते हैं कहाँ तक। वन मोर पैकेज, इसको हम कभी और खोलेंगे। आई नो वॉट इज दिस, दिस हैज़ गॉट नथिंग टू डू विद द करंट सिनेरियो, दिस इज समथिंग फॉर आभारी बट फॉर फ्यूचर, सो लेट्स नॉट ओपन दिस इन फ्रंट ऑफ द कैमरा। चलो लेट्स गेट बैक। इतने सारे हेयर मास्क इकट्ठे हो गए हैं मेरे पास, आई लेट गो फ्यू ऑफ देम। दिस इज एक्स्ट्रा, आई लव दिस प्रोडक्ट, यू विल सी दिस इन my favorite video for sure, but I have one extra. So basically brands जब भेजते हैं ना कई बार पूरी पूरी रेंज भेज देते हैं, तो कुछ भी जो लॉन्च हुआ अगर उसमें 10 चीज़ें हैं तो 10 की 10 चीज़ें भेज देते हैं, दैट्स वाई इतना सामान इकट्ठा हो जाता है। बट कई बार क्या होता है ये काम की बारी नहीं आती ना, तो फिर पता है मेरे से क्या होता है, बड़े बड़े सामान एक्सपायर हो जाते हैं और फिर फेंकते हुए इतना बुरा लगता है, बड़ा दुखाता है, क्योंकि ये दुखाता है कि यार इससे अच्छा किसी के काम आ जाता। तो मैंने अपने फ्रेंड्स को बहुत टाइम से कुछ भेजा भी नहीं है चीज़ें,
तो आई वुड रादर डू इट. ये कलर जो आप देख रहे हो, ये कलर स्ट्रीक्स का रेड कलर हाइलाइट्स करने के लिए मैंने तकरीबन 2 साल पहले खरीदा था एंड सोचा था घर में किसी दिन करूँगी, वीडियो भी बनाऊंगी, बट ऐसे कैसे पड़े हैं डब्बे. कभी हिम्मत नहीं हुई अपने बालों में खुद से लाल रंग लगाने का. कई बार होता है ना, दिमाग में चीज़ आती है फिर आप सोचते हो करूँगी, ऑर्डर भी कर देते हो चीज़ें, बट उसके बाद आपका माइंड चेंज हो जाता है. बाय द वे ये दिखाती हूँ आपको, फेथ एंड पेशेंस नाम का एक ब्रांड है जो कि है 10 मिनट्स चॉकलेट वैक्स. ये हेयर रिमूविंग के लिए बेसिकली. चीज़ अच्छी है, काम भी करती है, बट इसमें से इतनी फाउल स्मेल आती है कि मैंने उतनी फाउल स्मेल लाइफ में कभी एक्सपीरियंस नहीं की थी. लाइक आई डिडंट नो इतनी फाउल स्मेल भी एग्जिस्ट करती है. दिस वॉज अनबेयरेबल. उसके बाद मेरे नाक ने एडजस्ट कर लिया था बिकॉज देयर इज नो गोइंग बैक, मैं लगा चुकी थी. ओ माई गॉड, इतना ज़्यादा स्मेल आती है इससे कि मैं क्या बताऊँ. बट हाँ, अगर आपको चाहिए कि नो पेन टाइप का कुछ, यू नो, आपको बाल रिमूव करना है बॉडी पे कहीं पे भी, तो दिस इज 10 मिनट्स चॉकलेट वैक्स. ये सिर्फ देखने में चॉकलेट वैक्स जैसी है लेकिन कहीं से चॉकलेट का इससे लेना देना नहीं है, यानी कि स्मेल के मामले में इट स्मेल्स रियली रियली बैड. सो अभी ये वाली ट्रॉली में ये वाला सामान जो ऑलरेडी मैंने लगा लिया है और ये सामान जो अभी मैं लगाऊंगी, ये मुझे चाहिए. और ये जो चीज़ें हैं इसमें मोस्टली वो चीज़ें हैं जो मेरे पास रिपीटेड हैं या फिर मैं पहले बहुत यूज़ कर चुकी हूँ. नाउ आई डोंट फील लाइक यूजिंग देम बिकॉज ऑब्वियसली आई हैव मोर ऑप्शंस. आई वुड रादर यूज़ न्यू थिंग्स एंड सजेस्ट न्यू थिंग्स रादर देन यूजिंग द सेम थिंग्स बिकॉज ऑब्वियसली ये मेरा काम है डिफरेंट चीज़ें ट्राई करना और सजेशंस देना. सो एनीवे, सो ये सारा सामान जो है ये जाएगा फ्रेंड्स वगैरह को. ओके, डन. अभी के लिए मैं यही वाला काम कर रही हूँ अपने लिए जो मैंने अलग किया है. वॉट आई विल डू रादर देन सेंडिंग दैम जस्ट अपनी मर्जी से सामान जो चाहे शायद उन्हें चाहिए भी ना हो उनके पास ऑलरेडी हो, वॉट आई विल डू दैट आई विल कॉल ऑल द फ्रेंड्स जिनको मुझे सामान भेजना है एंड धीरे धीरे उनसे बात करके उनको दिखा के वीडियो कॉल पे कि हाँ ये सामान है उसमें से चूज़ कर लो. मोस्ट प्रोबेबली मैं वही करूँगी. तो लाइक आई विल कॉल रीति की तरह को इसमें से क्या क्या चाहिए, तो आई विल सेंड हर स्टफ. सो वो करूँगी. सामान तो ऐसा लिया हुआ है, लाइक ये सामान ऐसा है, बाथ सॉल्ट्स मैंने खरीदे थे एग्जीबिशन जब मैं आभारी की लगाती थी ना, तो मेरे बगल वाले काउंटर पे एक बार ये बैठे हुए थे एंड आई वाज जस्ट टेलिंग देम हाउ आई यूज़ अ लॉट ऑफ बाथ सॉल्ट्स स्पेशली फॉर माय पेडिक्योर मशीन जो मैं करती हूँ ना यूज़. मेरे पैरों में, टांगों में बहुत दर्द रहती है. मेरी टांगें उतनी ज़्यादा अमेजिंग नहीं है, थोड़ी वीक हैं, उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो मुझे दर्द रहता है ज़्यादा. तो आई वाज जस्ट टेलिंग देम आई लाइक इट एंड देन they convinced me to buy. So yeah, I bought. But ये packet ऐसे कैसे पड़ा है, मैंने अभी तक निकाले ही नहीं है अंदर से. Perfumes, mists, बाकी more or less मुझे चाहिए चीज़ें. Okay, set up, final done. This is done, this is done, and this is everything that we are going to give away to friends. बस मैं इन trolleys को संभालूंगी और मैं सोच रही हूँ vlog को finish कर देती हूँ. आई थिंक काफ़ी लंबा हो गया होगा व्लॉग यार, पता नहीं मुझे 2 पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, आई डोंट नो. कल से बस चल ही जा रहा है व्लॉग. आई एम व्लॉगिंग एवरीथिंग दैट आई एम डूइंग. सो एनीवे, ठीक है, होप यू गाइज एंजॉयड दिस व्लॉग. अब मैं जाके ट्रॉलीज वगैरह सेट करूँगी और ना मैं थोड़ा अपनी कमर को आराम दूँगी, मेरी कमर बहुत दर्द हो गई. और क्या होता है ना, जब आप शूट करते हो ना तो ऑब्वियसली आप ऐसा ढाव के नहीं बैठते, एटलीस्ट मेरी आदत नहीं है कि मैं ऐसे बैठ जाऊँ. मैं ऐसे थोड़ा सा तन के सा बैठती हूँ, सीधा सा, मेरे को आदत है बचपन से. एंड मैंने डिस्कस भी किया था क्यों मुझे आदत है, कि बिकॉज मेरी मम्मी बहुत स्ट्रिक्ट थी इस मामले में कि सीधी होकर बैठ, सीधी होकर बैठ. तो वो मुझे तब से आदत पड़ी हुई है, मैं सीधी बैठती हूँ, अंदर मेरे कमर में दर्द हो जाती है क्योंकि मैं इतना ज़्यादा ऐसे स्टिफ होकर बैठती हूँ. ठीक है, तो मैं जाके चेंज वेंज करूँगी, मेकअप रिमूव करूँगी और बस फिर उसके बाद मैं आई जस्ट कॉल इट अ डे. ओ बाय द वे, अभी तो रोशनी आ रही है घर पे, उसे कुछ बात करनी है तो आई कॉल्ड हर होम ओनली बिकॉज मेरी अभी बिल्कुल हिम्मत नहीं है और ऑफिस यहीं पे है ना, मतलब सेम बिल्डिंग में है. सो आई जस्ट सेट के घर आ जाऊँ. एनीवे, व्लॉग को मैं यहीं पे फिनिश कर देती हूँ. होप यू गाइज आर एंजॉइंग द रेगुलर व्लॉग्स. आई एम एब्सोल्युटली लविंग शूटिंग देम फॉर यू. सो या, होप यू गाइज एंजॉयड. इफ यू डिड, लेट मी नो इन द कमेंट्स एंड आई विल सी यू गाइज सुपर सून इन माय नेक्स्ट वीडियो. टिल देन, बाय बाय, टेक केयर.